जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि अंजलि सभी घर वालों के सामने आती है और ऋषभ पर मॉलेस्टेशन का केस दर्ज मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगाती है। जहाँ ये बात सुनने पर सभी घर वाले काफी शॉक हो जाते हैं, वहीं पुलिस ऋषभ को अरेस्ट करने के लिए आती है। लेकिन प्रीता और सभी घर वाले अंजलि के बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और वो पुलिस के सामने कहते भी है कि ऋषभ ये सब कुछ नहीं कर सकते और ये अंजलि का प्लान है उसे फंसाने का। लेकिन पुलिस एक बात नहीं सुनते हैं और वो ऋषभ से कहते हैं कि अगर वो साथ में नहीं चलेंगे तो उसे जबरदस्ती लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, अंजलि का ये सब प्लान होता है और वो मीडिया को भी बुलाई रहती है। वहीं जब पुलिस ऋषभ को जीप में बैठाते रहते हैं तब सभी मीडिया वाले ऋषभ के पास आते हैं और उस पर कई सारे सवाल खड़ा करते हैं। वेल, ये सब दिक्कत प्रीता काफ़ी ही इमोशनल होते हुए नजर आती है और वो सभी के सामने ऋषभ को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है और वो जस्टिफिकेशंस भी देती है, लेकिन उसकी कोई एक बात नहीं सुनता। वेल, ऋषभ को पुलिस लेकर तो चली जाती है, तभी मीडिया वाले फिर से कई सारे सवाल खड़ा करते हैं दूसरा फैमिली के सामने। वही राखी गुस्से में सभी के सामने आती है और वो कहती है कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब अर्जुन के वजह से हो रहा है। अर्जुन के क्लोज है अंजलि और वही अर्जुन के कहने पर ही अंजलि ये सब कर रही है। जहाँ ये बात सुनने पर बाकी लोग भी काफ़ी ही हैरान हो जाते हैं, वहीं राखी को भी काफ़ी ही धक्का लगता है। अब देखना यह है कि शो में क्या एक नया ट्विस्ट आएगा।